हमारे घर में टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, आयरन है, सीजर है, सीलिंग फैन है, गीजर है, वॉशिंग मशीन है, टोस्टर है, गैस स्टोव है, मिक्सर मशीन है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आयुष्मान और आप लोग देख रहे हो माय व्हाट माय फ्यूचर। हमारे घर में कौन कौन सी चीज़ है और उसका काम क्या है, अभी मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले टीवी है। टीवी पे मैं कार्टून देखता हूँ, पापा न्यूज़ देखते हैं और मम्मी मूवी देखते हैं। हम सब एक साथ मिलके रात को टीवी देख के एंटरटेन करते हैं, इसलिए टीवी हमारे घर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। घर के सामानों में फ्रिज और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। फ्रिज में पानी रखते हैं, आइसक्रीम रखते हैं, सब्जी रखते हैं, चॉकलेट रखते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स रखते हैं। गर्मी में खाने की चीज़ को फ्रिज में रखने से अच्छा होता है, इसलिए फ्रिज बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे पास एक आयरन है, उससे हम लोग कपड़ा इस्त्री करते हैं। पापा के शर्ट और पैंट, मम्मी की चूड़ीदार और साड़ी, मेरा शर्ट और पैंट सब इस्त्री होता है। जिन लोगों के घर में इस्त्री नहीं है वो लोग दुकान से इस्त्री करवाते हैं। हमारे घर की और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है सीजर, जिसको हम लोग हिंदी में कैंची कहते हैं। सीजर से कपड़ा, कागज, इस तरह की चीज़ काटा जाता है। कभी कभी बाल भी काटा जाता है। ऑलवेज बी केयरफुल, कैंची से उंगली कटने का चांस है। हमारे घर की और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है फैन। इस गर्मी में फैन के सिवा रहना मुश्किल है, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है। फैन इलेक्ट्रिक से चलता है, जब इलेक्ट्रिक नहीं रहता है तब फैन भी नहीं घूमता है। हमारे घर की और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है गीजर, जिससे पानी गर्म होता है। सर्दी के मौसम में ये गीजर बहुत काम आता है। हम लोग पानी गर्म करके नहाते हैं। ज़्यादा गर्म पानी शरीर के लिए ठीक नहीं है, इसलिए गीजर का टेम्परेचर कम होना चाहिए। हमारे घर की और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वॉशिंग मशीन। जिस घर में कपड़ा ज़्यादा होता है उस घर में वॉशिंग मशीन यूज होता है, और जहाँ पे धूप नहीं पड़ता है जैसे कि फ्लैट, बड़े बड़े मकान, वहाँ पे वॉशिंग मशीन यूज होता है। ज़्यादा कपड़े को जल्दी जल्दी धोने के लिए और सुखाने के लिए। टोस्टर और एक इम्पोर्टेंट मशीन है, जिसमें हम लोग बिस्किट को टोस्ट कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम टोस्टर है। लेकिन मुझे टोस्टर पसंद नहीं है, मुझे तो फल खाना अच्छा लगता है, इसलिए आप लोग भी टोस्टर मत यूज़ करो, फल खाओ। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है गैस स्टोव, जिसके बिना अभी चलना मुश्किल है, खाना पकाना मुश्किल है। गैस स्टोव में दाल, चावल, सब्जी ये सब पकाया जाता है, उस खाने को हम लोग खाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, खाना पकाने के बाद गैस के सिलेंडर को ज़रूर ऑफ करें। घर की और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है मिक्सर मशीन, जिसके बिना सब्जी स्वादिष्ट नहीं होता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।